स्मार्ट कास्ट आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। नमस्कार, मैं हूँ जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। शिव ज्ञान का भंडार है, शिव शिक्षा का महत्व सिखाते हैं। अब आगे। और भाई क्या हुआ, ये गौरव इतना मुंह लटका के क्यों बैठा है? अरे जूही बात नहीं कर रही है इससे। क्यों भाई, क्यों बात नहीं कर रहे है भाभी जी? अरे उसकी सीट चेंज हो गई है ना। अरे यार मत परेशान करो इसे। गौरव तू बता क्या हुआ? यार वो जो नया लड़का आया है ना ऋषि, वो आजकल उससे ज्यादा बातें करती है। मेरा मन तो करता है उस ऋषि का मुंह तोड़ दूं। हाँ हाँ तोड़ दे, रुका किसके लिए। हाँ हाँ भाई हम सब है, तो अभी आएगा तो यहीं पे उसका मुंह तोड़ देंगे। हे वो आ गया, चल चल चल। हाय गाइस, आ जा इधर आ, देखता हूँ तुझे। तेरी तो अरे अरे छोड़ दो। आ, आ, ओ, अरे नहीं मत, करेगा बात उससे, करेगा बात अब। अरे यार ये कर क्या रहे हो? स्टॉप, क्या हुआ, क्यों मार रहे हो इसे? ये हमारी भाभी के साथ बहुत चिपक रहा है आजकल। हाँ और ये अपने दोस्त को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करें? निकल यहाँ से वरना मैं तेरी तो। तुम लोग पागल हो गए हो, मैं तुम्हारी प्रिंसिपल से कंप्लेन करूंगा। आप प्लीज जाइए यहाँ से। अरे यार अगर इसने सच में कुछ प्रिंसिपल से कहा तो क्या, वहाँ उसके सामने मुंह तोड़ देंगे उसका। गाइस क्या मैं बीच में पढ़ सकता हूँ? इतना तो पढ़ ही गया है, बोल आगे। अरे तुम लोग इतनी सी बात पर मारा पीटी पर क्यों उतर आए? आपको नहीं लगता कि बात करके इस प्रॉब्लम का सलूशन निकल सकता था? भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और फिर अपनी प्रैक्टिस भी तो हो जाती है ना फाइट की, तो ये सब तो होते रहना चाहिए, है कि नहीं? हाँ जूही बोलो। यार तुम लोगों ने क्या किया यार, ये ऋषि ने तुम्हारी कंप्लेन कर दी है प्रिंसिपल से। तुम लोग पागल हो क्या? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे यार इस ऋषि ने तो सच में प्रिंसिपल को बता दिया। अरे अब क्या करेंगे? मुझे लगता है कि आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए। उससे कभी नहीं। अरे अभी क्या करना है वो सोचो। देखते हैं भाई, यही बैठते हैं, भगवान को याद करते हैं, वो ही मदद कर सकते हैं हमारी। मदद तो कर सकते हैं पर तुम्हें सही बात बताकर। वो कैसे? मैं तुम्हें उनकी एक कहानी सुनाता हूँ, मैंने कल परसों ही पढ़ी थी कहीं। एक बार भगवान इंद्र बहुत परेशान थे, तभी उनकी मुलाकात भगवान शिव से होती है। क्या हुआ इंद्रदेव, आप इतने विचलित क्यों हैं? मत पूछिए महादेव, बड़ी उलझन में हूँ। उलझन बताने से ही उलझन सुलझती है, बताइए ऐसी क्या उलझन है आपकी जिसने आपको विचलित कर दिया है? मेरी उलझन जयंत है महादेव। जयंत आपका पुत्र, वो आपकी उलझन का कारण कैसे हो सकता है? महादेव मेरा पुत्र बहुत ही उग्र प्रवृत्ति का होता जा रहा है, बात बात पर गुस्सा हो जाना और चाहे देव हो चाहे गण हो सबसे लड़ते रहना। मैंने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया है किंतु वो है कि समझता ही नहीं। महादेव आप भी तो एक पिता हैं, आप ही बताइए कि मैं अपने पुत्र को सही दिशा कैसे दिखाऊं, कैसे समझाऊं उसे, उसके भीतर ये जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे कैसे दबाऊं? ऊर्जा को कभी भी दबाना नहीं चाहिए इंद्रदेव, ऊर्जा को सदैव सही दिशा सिखानी चाहिए। जयंत के भीतर की ऊर्जा को दबाने का प्रयास करने से वो फटकर बाहर निकलेगी, ज्वालामुखी के समान। जिस प्रकार ज्वालामुखी के भीतर ऊर्जा बनती रहती है और एक दिन फट जाती है। तो क्या करना चाहिए महादेव? एक काम करते हैं, मैं अपने पुत्र कार्तिकेय को बुलाता हूं। पुत्र कार्तिकेय इधर आइए। प्रणाम पिताश्री, आपने मुझे बुलाया? हाँ पुत्र, मेरा एक काम करोगे? हाँ पिताश्री, आपकी हर आज्ञा शिरोधार है, कहिए। पुत्र, इंद्रदेव के जो पुत्र हैं जयंत, मैं चाहता हूं कि तुम उनके साथ एक मल युद्ध करो। पिताश्री किंतु वो तो मेरे मित्र है। हाँ ये मल युद्ध की प्रतियोगिता है, हम देखना चाहते हैं कि तुम दोनों में अधिक बलशाली कौन है। ठीक है पिताश्री, यदि ऐसा है तो मैं तैयार हूं, आज्ञा दीजिए। आयुष्मान भव पुत्र।
महादेव मैं कुछ समझा नहीं, ये आपने क्या किया? आप सब समझ जाएंगे। कल सुबह प्रातः काल में हम यहीं मिलेंगे। आप जाइए और जयंत को बताइए कि मलयुद्ध की प्रतियोगिता यहीं होगी और बाकी देवी देवताओं को भी आमंत्रण भेज दीजिए। कार्तिकेय पुत्र, जरा सुनना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। ठीक है पिताश्री, आशीर्वाद दीजिए। सभी देव और देवियों का इस समारोह में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक मल्ल युद्ध है और इसका आयोजन स्वयं महादेव ने किया है। इसमें भाग लेने वाले युवक हैं शिवपुत्र कार्तिकेय और इंद्रपुत्र जयंत। दोनों ही युवक अत्यधिक बलशाली हैं। देखना यह है कि कौन इस प्रतियोगिता में विजयी होता है। तो इसी के साथ मल्ल युद्ध की प्रतियोगिता आरंभ की जाए। ये कार्तिकेय वार क्यों नहीं कर रहा? ये अवश्य ही कार्तिकेय की कोई नीति है। देखिए देखिए, क्या बात है जयंत? शाबाश कार्तिकेय। कार्तिकेय जयंत को बस उकसा रहा है, वार नहीं कर रहा। लेकिन ये देखो, इसका जयंत पर कुछ और ही असर हो रहा है। जयंत अपना आपा खो रहा है। जयंत तो सांड के समान कार्तिकेय पर वार करना चाह रहा है। किंतु अब देखिए, जयंत थक रहा है, क्षमता खो रहा है वो अपनी। अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। ये क्या, जयंत बहुत क्रोधित लग रहा है। अरे अरे, ये क्या, कार्तिकेय क्या क्रीड़ा कर रहा है? ये क्या, जयंत मुंह के बल गिर गया। देखिए तो जयंत और क्रोध से आगे बढ़ रहा है, परंतु कोई अनहोनी ना हो जाए। आश्चर्य की बात है, पूरे युद्ध में कार्तिकेय ने एक बार भी प्रहार नहीं किया। महादेव, ये क्या हो रहा है? महादेव, कार्तिकेय प्रहार क्यों नहीं कर रहा? बस कुछ ही देर में आप सब समझ जाएंगे इंद्रदेव। कार्तिकेय, मैं तुझे नहीं बख्शूंगा, ये ले। कार्तिकेय ने जयंत का हाथ पकड़कर उसे वश में कर लिया। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। और इस प्रतियोगिता के विजेता है महादेव पुत्र कार्तिकेय। कार्तिकेय ने पूरा युद्ध बिना प्रहार किए, बिना बल के जीता है। वो कहते हैं ना, बल से बुद्धि बड़ी। जयंत पुत्र, उठो। मैं पराजित हो गया महादेव। कोई बात नहीं पुत्र, हार जीत तो लगी रहती है, किंतु इस प्रतियोगिता से क्या तुमने कुछ सीखा? जी महादेव, मैं समझ गया कि क्रोध से उत्तेजना प्रकट होती है, और उत्तेजना से चाहे मनुष्य हो या देव, अपने सोचने समझने की सारी क्षमताएं खो देता है और दिशाहीन होकर इधर उधर भागने लगता है, जैसे मैं भाग रहा था। और वह कार्तिकेय ने बल का प्रयोग किए बिना ही मुझे पराजित कर दिया। किंतु अब मैं क्या करूं महादेव? तुम अपने क्रोध को उद्देश्य दो पुत्र। उद्देश्य? वो कैसे महादेव? पुत्र, अभी से अपने क्रोध को दिशा दो, और वो दिशा है असुरों के विरुद्ध, बुराई के विरुद्ध। तुम्हें ज्ञात है पुत्र, किस प्रकार असुर देवों और देवलोक पर आक्रमण करते रहते हैं। तुम अपने आप को तैयार करो और देवों की सेना के सेनापति बनो, उनकी रक्षा करो। बोलो, कर पाओगे? अवश्य महादेव, मैं वचन देता हूँ आपको। मुझे तुम पर अभिमान है पुत्र। पिताश्री, मुझे क्षमा कीजिए, आप बालपन से ही मुझे समझाने का प्रयास कर रहे थे, और मैं हूँ कि किंतु आज महादेव और मेरे मित्र कार्तिकेय ने मुझे समझा दिया है। पिताश्री, मैं प्रण लेता हूँ कि मैं समस्त देवगणों की रक्षा करूंगा, अपने क्रोध को सही दिशा दूंगा। मैं वचन देता हूँ पिताश्री। देखो, तुम लोग यंग हो, बहुत समझदार हो, तो फिर तुम लोग ये मारपीट क्यों कर रहे थे? हम उसे बताना चाहते थे कि हमसे पंगा ना ले। हाँ, पर बात करके भी तो इस प्रॉब्लम का सलूशन निकल सकता है ना। अच्छा चलो, ये बताओ,
इस कहानी को सुनने के बाद क्या सोचा है तुमने? अपने गुस्से को कहाँ चैनलाइज करोगे? पहले तो मैं ऋषि को सॉरी बोलूंगा, मारना नहीं चाहिए था उसे। फिर बची हुई एनर्जी से अपनी गर्लफ्रेंड को मनाऊंगा, वो शायद मानने में टाइम लगाए, फिर भी अगर कुछ एनर्जी बच गई तो सोच रहा हूँ आर्मी ज्वाइन कर लूं। आर्मी क्यों? ओ, क्योंकि कार्तिकेय ने की इसलिए? अरे सारी शक्ति सिर्फ बॉर्डर पे ही नहीं दिखानी होती, हमारे समाज में ऐसी कई कुरीतियां हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनसे लड़ने की जरूरत है, कई प्रैक्टिसेस और नॉर्म्स हैं जो लड़कियों को परेशान करते हैं, उनका जीना मुश्किल कर देते हैं। अगर सच में अपनी एनर्जी और गुस्से को चैनलाइज करना चाहते हो तो अपने आप से प्रॉमिस करो, लोगों को यूनाइट करो, एक मुहिम चलाओ, पूरा शहर, सारी सड़कें और देश लड़कियों के लिए सेफ बनाओ। आप सही कह रहे हैं, पर ये ऋषि को पीट कर हमने जो रायता फैलाया उसका क्या करें? उस रायते को साफ कर दो और क्या। हाँ भाई, रुको, मैं अभी ऋषि को कॉल लगाता हूँ। गुड, और मैं चलता हूँ, लेट हो जाऊंगा। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? मैं एक रोड ट्रिप पर हूँ दोस्त, अमरनाथ जा रहा हूँ। तुम लोग भी कभी प्लान बनाओ और साथ में आ जाओ वहाँ। अगली छुट्टियों में पक्का आएंगे दोस्त। पक्का। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ऊर्जा अमूल्य है, ऊर्जा का इस्तेमाल निर्माण के लिए करना चाहिए, विनाश के लिए नहीं, क्योंकि बाबा ऊर्जा से ही ये सृष्टि बनी है, और अगर ये ऊर्जा दिशा भटक गया तो बाबा गले में जान अटक गया, इसलिए सुधर जा, समझ जा, टाइम अभी भी है, अपने अंदर के ऊर्जा को सही दिशा दे, क्योंकि शिव ऊर्जा का स्रोत है, शिव ऊर्जा को दिशा दिखाते हैं। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा। शिवा, आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन HD स्मार्ट कास्ट।